रामराज यूपी में नहीं है, कंसराज है, कुछ भी नहीं, खाली मीडिया में करोड़पति कर रहे हैं। किसान तो बर्बाद हो गया। मोदी सरकार गरीबों की सरकार नहीं, गरीबों का दुश्मन अमीरों की सरकार। डेढ़ महीना दो महीना में इलेक्शन कराएंगे, हाँ, और पेटियां बदलवा बदलवा करके जीत जाएंगे, क्योंकि इन्होंने पूरे छूट दे रखे हैं, हाँ? लेकिन सब चोरों का घर एक ठिकाना बना हुआ है, पुलिस मुख्यालय नहीं है, चोरों का ठिकाना है कि लूटो खाओ, हाँ, आप मेरी जय जयकार कर रहे हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार, मोदी भगाओ देश बचाओ होना जरूरी है। 10 साल हो गया, 5 साल तो ईमानदारी के काटे, 5 साल बेईमानी के काटे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। संसद में अमित शाह जो है वो दावे कर रहे हैं कि गठबंधन छोड़कर देश पे दिल्ली पे ध्यान दे लो, क्योंकि कुछ भी कर लो आएंगे तो मोदी ही। आप क्या कहते हैं, क्या मोदी ही आएंगे? नहीं, मोदी नहीं आएंगे, हाँ, अब की बदलाव होना जरूरी है। 10 साल हो गया, 5 साल तो ईमानदारी के काटे, 5 साल बेईमानी के काटे, 5 साल अब आने वाला है, इसमें बदलाव है, हाँ, 100% बदलाव होगा। हाँ, यदि वही पिछले वाला अपना राह चलाए हैं, तब तो कर जाएंगे कि डेढ़ महीना दो महीना में इलेक्शन कराएंगे, हाँ, और पेटियां बदलवा बदलवा करके जीत जाएंगे, क्योंकि इन्होंने पूरे छूट दे रखे हैं, हाँ, जितने ये सरकारी का कर्मचारियों को कि लूटो खाओ, हाँ, आप मेरी जय जयकार करो। करप्शन फ्री सरकार है, करप्शन इसके आने के बाद फ्री नहीं है, खाली मीडिया में जो इलेक्ट्रिक मीडिया वो खरीद रखे हैं ना, उसके माध्यम से सब कुछ ये बोली, जो कुछ बोली जा रहे हैं वो 100% झूठा है, जितनी ये बोल रहे हैं योगी मोदी वो 100% झूठा है। ये कहते हैं सुमंगला जो सुमंगला के भागीदार है, जिनका हक बनता है, उनको ना मिल करके जो ये कर्मचारी अधिकारी हैं ना, हाँ, ये खाली पैसे वालों को पैसे ले ले करके दे रहे हैं। ये जो किसान निधि भी जो गरीब तबके के हैं, जो इनके कर्मचारियों को अधिकारियों को 1,000-2,000 रुपया नहीं दिए, उनका किसान निधि भी नहीं बना है। अब मैं साक्षात हूँ उसके कहने वाला, जहाँ अच्छे दिन के सबूत गिनवा रहे हैं, अच्छे दिन के क्या सबूत नहीं, मैं बुरे दिन के क्या सबूत गिनवा रहा हूँ, हाँ। ये बताइए कि जिस समय कांग्रेस थी तो इन्होंने कहे थे, बाबा रामदेव कहे थे, मोदी सरकार आएगी और डीजल पेट्रोल 35 रुपया लीटर बिकेगा, हाँ। मोदी सरकार आई और डीजल पेट्रोल 100 रुपया पहुँच गया। नंबर दो, मोदी सरकार आई, 60-65 रुपया दाल बिक रही थी, वो दालें हो गई 200 रुपया किलो, हाँ, ये 80-90-95 रुपया किलो तेल था, हाँ, वो 200-250 रुपया किलो लीटर हो गया। टमाटर के महंगाई से किसानों को फायदा हो रहा है? किसानों को नहीं हो रहा है, व्यापारियों को हो रहा है, हाँ, किसानों को क्या है, किसान रातों रात करोड़पति हो गए। अरे कुछ भी नहीं, खाली ये मीडिया में करोड़पति कर रहे हैं, किसान तो बर्बाद हो गया, हाँ। किसानों के पास जब हो जाता है, अभी मैं हाल के यही बात सुनाता हूँ सर्दियों की, पंजाब में शिमला मिर्च 1 रुपया किलो हो गई, तो पंजाब के किसान शिमला मिर्च को, हाँ, मंडी में न ले जा करके रोडों पर फेंके, तो ये बताओ कि किसानों का विनाश हुआ कि विकास हुआ है, है? अच्छा, देश का विकास हुआ है ना? देश का किसी तरफ से विकास नहीं हुआ है, विकास पैसे वालों का केवल हुआ है, हाँ, विकास इनके सरकारी कर्मचारियों को हुआ है, हाँ, जो सरकारी विभाग में लग गए हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, हाँ, जैसे मान लो थाने पे पुलिस हो गई, हाँ, तहसील में लेखपाल, पटवारी, कानगो, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, SDM हुए, हाँ, जिला अधिकारी कार्यालय में जितने कर्मचारी हैं, हाँ, SP ऑफिस में जितने कर्मचारी हैं, CO ऑफिस में जितने कर्मचारी है, विकास भवन में जितने कर्मचारी है, ब्लॉक पे जितने कर्मचारी हैं, इनका विकास हुआ है, आम जनता का विनाश हुआ है। देश सुरक्षित हाथों में है, आप लोग ऐसे ही बात कर रहे हैं? नहीं, देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, देश बलात्कारियों के हाथों में गया, भ्रष्टाचारियों के हाथ में गया। निजी टिप्पणी कर रहे हैं, हाँ? निजी टिप्पणी, आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं आप? नहीं, मैं अच्छी तरह से, मैं जो बोल रहा हूँ सत्य बोल रहा हूँ, जो जमीन पर हकीकत है, हकीकत के सिवा मैं और कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो जमीन पर हकीकत है वही मैं बोल रहा हूँ, हाँ, उसके लिए मेरे पास कागजात भी है, मैं कागजात भी दिखा सकता हूँ। जिला कार्यालय में बेईमान बैठे हैं, हाँ,
SDM ऑफिस में बेईमान बैठे हैं, विकास भवन में बेईमान बैठे हैं, लुटेरे बैठे हैं, सबके सबूत रखे हैं, दिखा सब, हाँ सब, हाँ सबूत दिखा, हम अभी कहो तो मैं निकाल के लगाऊं, यहाँ तक कि इनके पुलिस मुख्यालय में 10 जनवरी 2022 का मैंने एक अपना मैटर दिया था 68 पेज का, सब साक्षात के साथ पुलिस वालों के और SDM ऑफिस के और DM ऑफिस के वालों के खिलाफ, हाँ, और मानव अधिकार आयोग में भी दिया था, हाँ, लेकिन मानव अधिकार भी आज दानव अधिकार आयोग बन कर बैठा हुआ है, वो अभी कुछ नहीं देखता है, केवल जो कागज आया ना पढ़ेगा लिखेगा, केवल उठा करके उन्हीं जो चोर है उन्हीं को हाथों में भेज दिया। और विदेशों में डंका बज रहा है ना, विदेश जो है, विदेश से रिश्ता अच्छा हो रहा है ना भारत का? अरे विदेश से अच्छा रिश्ता क्या हो जाएगा कि जी अपने भूखे मर जाएंगे, हाँ, तो विदेश वाले पल के क्या करेंगे, हाँ, विदेश में तो बहुतेरी जनता, हमारे हिंदुस्तान यदि आज विदेश नहीं होता तो हमारा हिंदुस्तान आज भूखमरी के अंतिम कगार पे होता, लेकिन हिंदुस्तानी हैं कि विदेशों में जा करके अपना रोजी रोटी किसी तरह अपने बाल बच्चों की पूरी कर रहे हैं, हाँ, यदि बताओ कनाडा में कितने हिंदुस्तानी हैं, अमेरिका में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, इराक, ईरान में, ये जो कि अपने हिंदुस्तानी जा करके वहाँ से कमा रहे हैं, तो हिंदुस्तान में कुछ देखने को मिल रहा है, नहीं तो हिंदुस्तान के जो चोरों के बेईमानों के लुटेरे को हाथों में जो चला गया है हिंदुस्तान, हाँ, है हिंदुस्तान ये बर्बादी के कगार पर होता, लेकिन अब ये विदेशों में जा करके कमा करके जो भेज रहे हैं पैसे, इससे हिंदुस्तान 50% बचा हुआ है और 50% कंगाली के ऊपर चला गया है। छोटे तबके के किसान आज भूखे मर रहे हैं, हाँ, कर्जे में डूबे हुए हैं, हाँ, ये देखो कितने महाराष्ट्र में कितने किसानों ने आत्महत्या कर लिया, हाँ, अरे खुशहाली सरकार जो है वो गरीबों की सरकार है, मोदी सरकार गरीबों की सरकार नहीं, गरीबों का दुश्मन अमीरों की सरकार, हाँ, मोदी सरकार गरीबों के लिए कुछ काम नहीं कर रही है, खाली मीडिया में घोषणा कर रही है, इतनी सारी योजनाएं तो दी, आवास योजना, जनधन योजना, आयुष्मान योजना, ये जो आवास योजना है, हाँ, किसान निधि है, ये पैसे वालों को जो उनके कर्मचारियों को देते हैं उन्हीं का बनता है, जो नहीं हमारे भर के, हाँ, पैसे नहीं घुस नहीं देते तो हमारे भर का याद तक नहीं, ना हमारे बाप को मिला ना हमको मिल रहा है। आपको नहीं मिला इसीलिए गुस्सा दिखा रहे हैं आप? हम, मैंने गुस्सा नहीं दिखाया, हमारे गांव में 70% लोगों को किसान निधि नहीं मिल रही है, 30% को मिलती है, जो कि सुरक्षित है, हाँ, पैसे वाले हैं, जिनके कुछ आमदनी है, जिनके लड़के बच्चे सरकारी नौकरियों में हैं, हाँ, जिनकी अच्छी खेतियाँ हैं, 10-20 बीघे के काश्तकार हैं, उन्हीं को मिल रही है, और गरीब तबके के जो कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, अपने धुन में, अपने कामों में बिजी रहते हैं, जो रूखा सूखा मिल गया है अपने में उसी में गुजारा करने वाले हैं, उनको किसी को ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, हाँ, अरे मोदी जी ने तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, मन की बातें कर रहे हैं, लेकिन जनता की हकीकत उतर करके फील्ड में देखे तो जनता, हाँ, कह रही आएगा मोदी ही, अरे जनता नहीं कह रही है, हाँ, जनता तुम्हारे से कितने जनता ने कहा है, हाँ, खाली मीडिया तो कह रही है, अब हाँ, मोदी चिल्ला रहे हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार, हाँ, वही जगह जगह पोस्टर लगवा रहे हैं, हाँ, हाँ, कि जनता कोई कह रही है कि नहीं मोदी जी आएंगे तीसरी बार, जनता तो कह रही है, हाँ, मोदी भगाओ देश बचाओ, मोदी भगाओ किसान मजदूर बचाओ, बीजेपी वाले कह रहे हैं अब की बार 400 के पार, अरे बीजेपी वाले तो हैं अपना बेमानी के जुट पे है, जैसे कि यूपी में किए हैं, नहीं तो ये बताओ यूपी में राम राज्य है, यूपी में राम राज नहीं है, कंस राज है, राम राज यूपी में नहीं है, कंस राज है, बाबा का राज्य है, बुलडोजर चल रहा है, अब क्या चाहिए, बुलडोजर चल रहा है किस पे, जिससे हार सकते हैं, जिसको रहते हुए ये कभी वोट नहीं पाएंगे उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, नहीं तो मैं खुद हूँ, हाँ, कि ऐसे ऐसे बेमानों का दिखाऊं, हाँ, कि चमार बन बन करके पट्टा करा रहे हैं, हाँ, पैसे वालों को सरकारी जमीनें दे दे रहे हैं, वहाँ के अधिकारी कर्मचारी पैसे ले ले करके, और गरीबों को घर तक बनाने के लिए जगह नहीं दे रहे हैं, का यही ईमानदारी है, यही मोदी सरकार का कर्तव्यमा है, ये सब बदनाम करने की कोशिश की जा रही है मोदी योगी को, मोदी योगी को बदनाम करने की नहीं हकीकत है, और नहीं तो कहो अभी मैं कागज निकाल करके दिखाऊं, हैं, दिखाइए कागज दिखाइए, मैं अभी ले आता हूं, बाबा के पास जो है वो तमाम कागज पड़े हैं ये सबूत के लिए, सब दिखा रहे, बताइए, देखिए ये पुलिस मुख्यालय में दिया था मैं 10 तारीख को, और जो उन्होंने हमारे गाजीपुर में भेजे 14/1/2022 को, श्रीकांत तिवारी पुलिस अध्यक्ष लोक शिकायत,
हाँ, फिर उसके बाद दूसर का मैंने दिया हूँ, हाँ, DG 557A1/2022 10/8/2022 को हाँ पुलिस अध्यक्ष व जिला अधिकारी जनपद गाजीपुर को भेजे हैं, लेकिन आज तक न पुलिस विभाग हमको गाजीपुर ने जिला अधिकारी इसका जवाब दिया, हाँ न तो पुलिस अध्यक्ष दिए और न तो इनके मुख्यालय से मिला। मुख्यालय में जाता हूँ तो कहा कि सूचना के अधिकार से मांगो, अब मैं सूचना के अधिकार से मांगू, हाँ किस बात का सूचना के अधिकार से मांगू, मैं उनको दे रखा हूँ तो क्या हमको जवाब नहीं दे सकते, हाँ लेकिन सब चोरों का घर एक ठिकाना बना हुआ है, पुलिस मुख्यालय नहीं है, चोरों का ठिकाना है, जो फील्ड में से निकाले जाते हैं उनको लिया करके पुलिस मुख्यालय में बैठाती है, हाँ और जो इधर उधर से जो चोरी में बेईमानी में लुटेराई में पकड़े जाते हैं वो पुलिस मुख्यालय में आके बातें हैं, हाँ SP ऑफिस में जा करके बैठते हैं, हाँ तो ये जो है सत्ता में बैठ के कुर्सी पर बैठ के अगर आप दावा कर रहे हैं कि करप्शन ख़त्म कर दिया है तो आपको ज़रूरत है इन कागज़ों पर एक नज़र डालने की, क्योंकि जो है सत्ता में कुर्सी पर बैठ के दावे कर देने से नहीं होता, यहाँ पर सारे प्रमाण मौजूद हैं कि किस तरीके से जो है करप्शन हो रहा है और कोई भी करप्शन ख़त्म नहीं हुआ है। जो लोग कहते हैं कि सिर्फ हवाबाजी है उनके लिए उनके मुँह पर एक तमाचा है ये सारे सबूत। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीज जनहित आवाज़।